प्रणाम आंटी जी। हमारी पिछली पिटाई भूल गई है क्या? अब फिर से हमें पिटवाने का प्लान बना रही है इलायची जी, क्या कर रही है? नहीं, अब जब यहाँ से निकलेंगे तो एकदम फिट एंड फाइन होकर निकलेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट जीजा जी। ट्रस्ट यू? यस। देखिए इलायची जी, ना तो हमें ये अस्पताल दिखाई दे रहा है और ना ही आप डॉक्टर, कैसे जाएगा हमारा दर्द? प्यार के इंजेक्शन से। ये क्या मतलब, हम समझे नहीं, क्या बोल रही है? मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आप ना यहाँ से दौड़ते हुए बाहर निकलेंगे जब निकलेंगे, ओके? अच्छा, देखिए इलायची जी, वो क्या है ना कि हमें हमारा भविष्य साफ साफ दिखाई दे रहा है। सेठ जी से कुटाई और आपके हाथों से सिखाई, हमें नहीं करना ये, हम नहीं करेंगे, नहीं। चुप, बहुत हो गया। चुप रहो, मुझे कुछ करने दो। ये क्या था? पेन किलर टैबलेट। इलायची जी, हमें चार पेन किलर और दे दीजिए। मौश, आइए आइए गुरुजी, आइए 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 आइए, अरे आइए आइए गुरुजी। अरे बचे तो नहीं, मतलब लगी तो नहीं थी? अरे नहीं गुरुजी, बैठ। आइए आइए आइए, अरे करो गुरुजी, आइए बैठिए। गुरु जी देखिए, ये गलत बात है आपकी, आपने अगर मुझे बताया होता तो मैं खुद आ जाता लेने आपको। खुश रहो खुश रहो खुश रहो बहू। बात कुछ ऐसी थी बेटा मुरारी, कि वो बात हम खुद तुम्हें बताना चाहते थे, इसीलिए स्वयं ही यहाँ आ गए। अच्छा। हाँ, विवाह की तैयारियां आरंभ कर दो। गुरु जी, अगर इनकी शादी होगी तो फिर मेरा क्या होगा? मेरे तो भाग ही फूट जाएंगे। अरे करुणा बहू, कैसी बात कर रही हो तुम? अरे मुरारी के विवाह की बात नहीं कर रहे, हमें तो बेटी इलायची की कुंडली यहाँ खींच लाई है। मैं कुछ समझा ना गुरुजी। अरे मुरारी कैसी बात करते हो तुम, कुछ दिन पहले ही हमने तुम्हें कुंडली देखकर बताया था कि बेटी इलायची का शुभ विवाह पुष्पेंद्र नाम के किसी युवक से तय होगा, और बड़े ही सौभाग्य की, बड़ी बधाई की बात है कि बनारस के एक बहुत ही बड़े नामदार खानदान का पुत्र सुयोग्य वर पुष्पेंद्र, उसका रिश्ता अपनी बेटी इलायची के लिए आ गया है। विवाह की तैयारियां आरंभ कर दो, अगले 10 दिन के भीतर ही बेटी के विवाह का पूरा योग बन रहा है। जो कि टल नहीं सकता। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मेरे तो भाग ही खुल गए। करो। हाँ। 10 दिन के बाद हमारी इलायची बिटिया इस घर से विदा हो जाएगी। कितना अच्छा रिश्ता आया है हमारी इलायची बिटिया के लिए। वो चाय नाश्ता हो जाए। हो जाए। हाँ, अभी लाइए। हाँ, ले आ। क्यों क्या चीज़ है? पुष्पेंद्र मिल गया, यानी कि गुरुजी की बात सच हो गई। इसका मतलब 10 दिन में मेरी शादी। ओह गॉड। अरे अरे हट ना, बिकवा घुस रहे हैं। अरे चल लोटे, अरे लोटे इधर आ इधर आ। भगवान ने जो है मेरी सुन ली, मेरी छाती का बोझ हल्का हो गया। सीढ़ी गलत बात है ये, बगल की आप मुझसे बनवाते हो,
छाती बाल कहीं और बनवाया है? अबे छाती का वो सिर बालों से ना होता है, ये देख असली खुशखबरी की मिठाई। और इलायची कैसी है? अब तो विदा होने वाली है, समझ रहा है? ले तू भी ठूस ले, ले ठूस 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 ठूस, तू भी। सीढ़ी कैसी बातें कर रहे हो सीढ़ी, कब हो गया ये सब? अरे अब क्या बताऊँ, लोटे से अच्छी चीजों का दही जमते देर न लगती। गुरु जी ने ना एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया, वही पर जो है उसकी शादी तय हो रही है, समझ रहा है तू? ऊपर वाले ने मतलब क्या बताऊं, इतनी अच्छी जगह रिश्ता तय करा दिया है कि बस दोनों किवाड़ खोल के आशीर्वाद दिया ऊपर वाले ने मेरी बेटी को। अरे वाह वाह, क्या बात है भाई। हाँ भाई, क्या हो रही है सेठ जी, किस खुशी में मिठाई बांटी जा रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी आप भी खाइए। अरे लो खाओ, आप खाओ। दरोगा जी। हाँ जी। मेरी बिटिया इलायची का रिश्ता पक्का हो गया है, बहुत बड़े घर जाने वाली है वो। अरे वाह वाह सेठ जी, क्या खबर सुनाई आपने, मजा आ गया। लेकिन एक बात बता रहे पिंकी जी, देखिए अपने घर की शादी है ने, केटरिंग का काम तो पिंकी जी करेंगे। बावर्ची कहीं का। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मतलब आप अपने हाथों से खाना बना के ना बराती को खिलाएंगे तो बराती झूम उठेंगे, है ना? मजा आ जाएगा। दरोगा जी मैं सच बता रहा हूँ, बस इलायची बिटिया की शादी धूमधाम से हो जाए तो मैं पूरे चांदनी चौक में ना मैं नींबू पानी फटवाऊंगा। गर्मी हो रखी है ना बहुत। जी जी और मामू कैसे हो? अरे मेरे बच्चे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे बच्चे कैसा ठीक है? अरे दरोगा साहब। अरे भैया किस बात की मिठाई खा रहे हो? क्या अपना ट्रांसफर ट्रांसफर करवा लिया भैया? क्या बात ऐसा है छटंकी, पिंकी जी का तो कोई ट्रांसफर हुआ ना? तू कहे तो पिंकी जी तेरा ट्रांसफर करवा दे जेल में। बोल बोल। अबे सुन चटंकी, खुशखबरी है, तेरी भांजी इलायची का रिश्ता पक्का हो गया है, ले मिठाई खा तू भी खा। अरे क्या बात कर रहा है मेरा भैया है। अरे मुबारक हो, अब देखना मैं अपनी भांजी के लिए कितना लंबा हाथ मारूंगा जी। मेरा कहने का मतलब है कि दरोगा साहब शादी में मेहनत तो करना ही पड़ती है, ब्याह का मामला होता है तो करना ही पड़ती, करेगा छटंकी क्यों नहीं करेगा भैया? अरे जीजा हाँ, ऐसी मिठाई तो मैं भी लेकर आया था, कसम से बता रहा हूँ। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी जीजी ने फ्रिज में रख दी थी जो वाली मिठाई, कसम से तुम्हारी जान कसम। छटंकी मिठाई अकेले ही डकाने का इरादा था क्या तेरा, जो फ्रिज में रखने से मना कर रहा था? अरे यार लोटे तू कैसी बातें कर रहा है, इस मिठाई में चूहे मार दवाई मिली हुई थी, चूहे बहुत हो गए ना घर में यार मेरे, उन्हें गलत जगह से पैंट को दर दी थी हमारी, इसलिए मतलब। ठटंगी हाँ भैया, ये वाली मिठाई मैंने फ्रिज से ही तो निकाली थी। जीजाजी छत पर हैं? जीजाजी छत पर हैं और जीजाजी से देवदास बने जा रहे हैं। प्लीज हिम्मत मत हारिए ना, हालांकि मैं मानती हूँ कि हमारी किस्मत वापस हमें ऐसे ठेंगा दिखा के निकल ली। ये लो ठेंगा दिखाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। इलायची जी हम इस बात को समझ चुके हैं कि इस जिंदगी में हमारा और आपका मिलन नहीं होने वाला। अरे तेरा तो वैसे भी कुछ ना होने वाला भाई। जीजा जी आप मेरी बात सुनिए, देखिए अगर आप पराठा हैं तो मैं दही, आप मलाई हैं तो मैं लस्सी। ये गाय है तू गोबर है, तू खून है ये मच्छर है। मैंने मैं कह रहा था कि जोड़ी जो ना बहुत मजबूत जोड़ी है जी, ऐसे ना टूटेगी। वैसे इलू अब तू क्या करेगी, तेरे पूरे के पूरे प्लान का तो बुआ फुफड़ हो गया। देखिए
हम इस बात को मान चुके हैं और आप लोगों को भी ये बात मान लेनी चाहिए, इलायची जी का रिश्ता पक्का हो गया है। अरे ऐसा नहीं है, देखो अभी लड़के ने हाँ बोली है, मैंने तो नहीं बोली ना। आने दो से उस ढक्कन पे ना रिजेक्टेड माल का ठप्पा लगा के भेजूंगी मैं। मतलब? अरे जीजा जी, मेरा मतलब ये है कि देखो वो जो लड़का है, बोल दूंगी कि पसंद नहीं आया, शक्ल अच्छी नहीं है, बोल दूंगी कद छोटा है या पर्सनालिटी में दम नहीं है, या बोल दूंगी हम दोनों की जोड़ी ऐसे जम नहीं रही है, कुछ भी बोल दूंगी, काला पीला कैसा भी बोल दूंगी। दुदू। हाँ, हाँ, और इसके बाद कोई ना कोई कमी तो होगी ना रियल में। हाँ। बस उसी टाइप से वैसे रिजेक्ट कर दूंगी, सॉर्टेड। बहुत सही। अरे भाई तू टेंशन ना ले, बहुत बड़ी गोलीबाज है जे। नहीं मतलब मैं कह रहा था कि बहुत स्मार्ट है जे, कुछ ना कुछ जुगाड़ पट्टी कर लेंगी। लेसी जी, हमें आप पे पूरा भरोसा है, आप हमें इस बसर से निकाल सकती हैं। लेकिन भाई मुझे तुझ पे बिल्कुल भरोसा ना है। इनको छोड़ो और मेरी बात सुनो, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं उस पुष्पेंद्र की। अभी तो टंटे इसके पीछे पड़े हैं। जब तक ना आई है काफी इंतजार करवा लिया ना। पापा मैं पहले ही बता दे रही हूँ, अगर मुझे लड़की की शक्ल पसंद नहीं आई ना तो मैं नहीं यहाँ बोलने वाली हूँ फिर। अरे इलायची, पंडित जी बोले हैं कि लड़का दिखने में भला चंगा है। हाँ तो मुझे उससे क्या, डेंटिंग और पेंटिंग करा के आएगा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं नुक्स निकालना बंद कर दूंगी, छोटी से छोटी कमी पकड़ लूंगी मैं उसके अंदर, किसी मेंढक से शादी नहीं करने वाली हूँ मैं। इलो तेरी मेंढक से शादी होने वाली सेल्फी। बंसल साहब, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्कार चाटी साहब, नमस्कार, बैठी बैठी बैठी, नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। अरे वो पुष्पेंद्र नजर नहीं आ रहे। हाँ वो गाड़ी पार्क कर रहा है, आ रहा है। अच्छा। आ रहा भाई, आ रहा है, अच्छी बात है भाई। ये टकलू लड़के का बाप है? अबे यार पता नहीं, लग तो बाप ही रहा। आने में रास्ते में कोई तकलीफ तो ना हुई? नहीं ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं हुई, रास्ते से आ रहा था किसी ने गोली मार दी, बस पट्टी करवा के आ रहा हूँ। अंकल जी वो पापा को ना थोड़ी मजाक करने की आदत है। समझ गया बेटी साहब, आपको समझ गया मैं। अरे सुन करू, भाई साहब के लिए कुछ चाय नाश्ता वगैरह लेके आ। हाँ हाँ अभी लाई, इलायची के हाथ के समोसे। मैं खुद अपने हाथों से बिट्टू हलवाई की दुकान से लाई हूँ। अच्छा तो लड़की आप हैं? मजाक करने की आदत है। बस एडी साहब बहुत बढ़िया आदत है भाई, आपके घर में तो दिन रात जो है वो हंसी जो है बजती रहती होगी। रात को नहीं बजती, रात को मैं सोता हूं ना, सिर्फ खराटे बजते। सुनो, ये लड़का तो एकदम फिल्मों वाला हीरो है, इसे विलन कैसे बनाए?
समझ ही नहीं आ रहा है लुआई रब्बा कितना क्यूट है। पर मेरी बात सुन, हम ना घर की खिचड़ी में मैनेज कर लेंगे, बाहर की बिरयानी कैंसिल। हाँ पुष्पेंद्र बेटा, वो पंडित जी जो है ना, वो बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। जी हाँ, शकल देखने के बाद तो आपको लग ही गया होगा कि तारीफ के लायक है। राशन की तरह रिश्तों की लाइन लगती है, लेकिन हम पंडित जी की बात मानते हैं। हाँ ये तो है, बढ़िया बात है। पुष्पेंद्र बेटा, वैसे मेरी बेटी इलायची बहुत होनहार है, बहुत सारे रिश्ते आए इसकी शादी के लिए, लेकिन टिकने एक भी ना दिया, सब भगा दिए। क्या मतलब? नहीं मतलब ये है कि आप समझ ही रहे हैं, अब बेटी इतनी अच्छी है और एक ही बिटिया है, इतने सारे रिश्ते, तो आपको बताया सेठी साहब, हाथ जोड़ के ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के मना करना पड़ा सबसे, भैया अभी माफ कर दो। अंकल जी, अगर आपकी इजाजत हो तो इलायची जी अगर मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। हाँ 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 बिल्कुल इलायची बेटा, पुष्पेंद्र जी से बात कर, वरना इन्हें लगेगा कि तेरे मुंह में जबान ही ना है। अंकल जी आप बिना क्या मजाक करते हो? मजाक ना कर रहा हूं, बात कर, करना बात। पुष्पेंद्र जी, जी वैसे आपकी शक्ल देख के ये तो नहीं लगता है कि आपकी कोई हॉबी वॉबी होगी, लेकिन फिर भी अगर यू नो। जी मुझे ना शाम को ठेके पे जाना बड़ा पसंद है। वो क्या है ना, वहां शराबियों को शाम को हम नशा मुक्ति की दवा मुफ्त में बांटते हैं। क्या है ना, हमें थोड़ा समाज सेवा करने का शौक है। अरे वाह भाई वाह बेटा, बहुत को बहुत पुण्य का काम कर रहे हो, लेकिन मैं थोड़ी सी टिकाता हूँ, वो ना छुड़वाने दूंगा। हाँ वैसे कहते हैं कि मरने वाले की सांसें और पीने वाले की बोतल कभी छीननी नहीं चाहिए। वैसे पुष्पेंद्र जी, आप कभी जेल तो नहीं गए ना? जी जेल, देखिए अब रिश्ता जोड़ने की बात है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। चार पांच बार जी, चार पांच बार जेल जाना हुआ है। जी क्या है ना, वहां मैं जेल के कैदियों को योगा सिखाने जाता हूँ, हमारा योगा सेंटर भी है बनारस में। अरे वाह बहुत बढ़िया। पुष्पेंद्र बेटा, दो चार आसन मुझे भी सिखा दो पतले होने के। चुप रहे, आज पैर में गांठ बंद गई है, कौन खोलेगा ये गटरी? वैसे पुष्पेंद्र जी, अब पूरा दिन तो इतने सारे काम करने में निकल जाता होगा, तो पैसे कमाने का तो वक्त मिलता ही नहीं होगा आपको, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने, दिन भर बिल्कुल वक्त नहीं मिलता है, पर मैं कोशिश करता हूँ रात को थोड़ा समय निकाल लेता हूँ, अपनी फैक्ट्री भी चलानी होती है, क्या है थोड़ा काम धंधा भी जरूरी है। अबे यार ये तो सरगुण संपन्न भाव हो रखा है यार, ये तो सारा रहता फैल गया। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, इतना काम भी है। पुष्पेंद्र बेटा, हाँ जी, मतलब यही है कि मैं ये चाह रहा था कि तुम लोगों ने जो है आपस में बात कर लेते, तुम और इलायची, और फिर जो भी फैसला है वो सुना देते। तो बेटा जाओ उधर जाओ आंगन में है, और वहां जाके बात करो, चलो जाओ बेटा। हाँ जी शर्मा, वहां शर्माने का कोई काम नहीं। अरे पंचम तुम कहाँ जा रहे हो? आंटी वो इलायची जी अकेली। तू इलायची का ताऊ रखा है, जा जाके जाए बना जा, देख क्या इंतजाम हो रखा है अंदर। हाँ खुश रहे, नौकर आज्ञाकारी है। हाँ। हर चीज में पैर छूता है, मतलब सुबह भी जब जाता है ना वहां तो पैर। इलायची जी
ये जो आपके इनाम में मीठे पान जैसी मिठास है ना, कसम से बनारस से हमें यहाँ पे खींच लाई है। पुष्पेंद्र जी देखिए जी, भले ही मैं लोगों को घुमाती हूँ लेकिन मुझे बात घुमा के बताना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बात साफ साफ होनी भी चाहिए, पर इतनी भी नहीं कि रिश्ता ही साफ हो जाए। जी देखिए वो मैं आपकी बात समझ गया, आप यही कहना चाहती हैं ना कि आप 11वीं कक्षा में 3 बार फेल हो चुकी हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्ची? तो मुझे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ और बताना चाहती हूँ आपको। आप यही कहना चाहती हैं कि ये चांदनी चौक के आधे से ज्यादा लड़के आपके पीछे लट्टू हैं, यही ना? जी मैं हूँ डिमांड में लेकिन मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। आपके लिए गर्मा गर्म समोसे और चाय। अरे वाह, थैंक यू। सेवन करिए। जी बिल्कुल, थैंक यू। जी जी इलायची जी, आप वो हमारा टायर पंचर हो गया है। सॉरी इलायची जी, आप कुछ कह रही थी। पुष्पेंद्र जी मैं किसी और से प्यार करती हूँ और हम दोनों का एक लंबे समय से चक्कर चल रहा है।